देश की लोकसभा को 10 साल बाद एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। सदन में साल 2014 से ये पद खाली था। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कुल लोकसभा सदस्यों के 10% के बराबर सीटों का होना जरूरी है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल के पास जरूरी 10% सांसद भी नहीं थे। लेकिन 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली है। इस तरह कांग्रेस पार्टी को इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। देश में कई बार ऐसा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। इस वीडियो में जानेंगे कि नेता प्रतिपक्ष का पद इतना अहम क्यों है, ये कितना शक्तिशाली होता है और इनके अधिकार क्या हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पद पर रहने वाले लीडर को क्या सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आज तक AI के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए विपक्ष के नेता का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। नेता प्रतिपक्ष सदन में विपक्ष की आवाज उठाते हैं और किसी भी मुद्दे पर विपक्ष की सोच को स्पष्ट करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। संसदीय समितियों में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अहम होती है। इन्हें लोक लेखा समिति और चयन समिति जैसी कई समितियों में सदस्यता मिलती है। ये कई अन्य संयुक्त संसदीय समितियों के सदस्य भी होते हैं। नेता प्रतिपक्ष को संसद में सरकार की नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता होती है, वहीं उनकी असहमतियों पर सरकार ध्यान देती है। नेता प्रतिपक्ष की कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में भी अहम भूमिका होती है। इन नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति लोकतंत्र को मजबूत करती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI, प्रवर्तन निदेशालय ED, सूचना आयुक्त और लोकपाल की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है और उनकी राय को महत्व दिया जाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद शक्तिशाली होता है। ये पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री की तरह वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3,30,000 रुपए सैलरी मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 1,000 का सत्कार भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के लेवल का घर, कार और ड्राइवर के अलावा सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को करीब 14 स्टाफ की भी सुविधा मिलती है, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।